सब्सक्राइब कीजिए होम शेफ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। आज हम बना रहे काजू कतरी। काजू कतरी बनाने के लिए हमें चाहिए काजू 200 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, पानी 75 मिली, देसी घी 3 टीस्पून, इलायची पाउडर चुटकी भर। काजू कतरी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर की जार में काजू पीस लेंगे। सबसे जरूरी बात हमें ध्यान रखना है कि मिक्सर का जार जरा भी गिल्ला नहीं रहना चाहिए। ये काजू पीस कर हो गए, हम एक बर्तन में चीनी डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे और चाशनी तैयार करेंगे। ये काजू कतरी घर पर बनाना बहुत ही आसान है। बाजार जैसी काजू कतरी अभी आसानी के साथ घर पर बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चाशनी को हमें इस तरह दो तार होने तक पकाना है। ये चाशनी तैयार हो गई। अब हम इसमें पिसे हुए काजू डालेंगे। चम्मच से हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पिसे हुए काजू डालने के बाद हम चम्मच से हिलाते ही रहेंगे, वरना काजू कतरी की मटेरियल में लंप पकड़ेंगे। गैस के आंच स्लो रखेंगे। हमने 3 टीस्पून घी लिए हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर मिक्स करते रहेंगे। अब हम इलायची पाउडर डालेंगे। चम्मच से हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से काजू कतरी का मटेरियल तैयार होना चाहिए। इसमें अभी जरा भी लम्स नहीं है। ये लिक्विड की तरह दिख रहा है, लेकिन वो जैसे ही ठंडा होते जाएगा उसी तरह से वो गाढ़ा होते ही रहेगा। एक थाले को घी से ग्रीस करेंगे। अब काजू कतरी का मटेरियल हम थाले में निकालेंगे। थाले में निकाल कर चम्मच से अच्छी तरह से फैलाएंगे। ये काजू का मटेरियल दिखने में पतला है, लेकिन जैसे वो ठंडा होते जाएगा वो अच्छी तरह से गाढ़ा होकर सूख जाएगा। इसके हमें काजू के मटेरियल को चम्मच से हिलाकर मिक्स करते रहना है। ये काजू कतरी का मटेरियल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम ये काजू कतरी के मटेरियल को हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब हम ये काजू कतरी का मटेरियल को काजू कतरी बनाने के लिए बेलन से बेल लेंगे। काजू कतरी का मटेरियल अच्छी तरह से बेल कर काजू कतरी कट करने के लिए तैयार हो गया। अब हम इसे चांदी का वर्क लगाएंगे।
चांदी का वर्क लगा के हो गया। अब हम ये काजू कतरी कट करेंगे। काजू कतरी की पीसेस जिस तरह से छोटे बड़े चाहिए उसी तरह से कट कर सकते हैं। हलवाई जैसी ये बनने वाली मिठाई काजू कतरी की अभी घर पर आसानी के साथ बना सकते हैं। आज की काजू कतरी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।